एक सवाल यह है कि जंतरियों में जो फालनामे होते हैं इसकी ये कमजोर है कि क्या फालनामे तो छोड़े पूरी जंतरी ही कमजोर है, और खास तौर पे फालनामे के बारे में आपने लिखा कि वो इमाम के नाम से मंसूब होता, तो क्या आप इसे वक्त पढ़ने पे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इमाम के नाम से ही कमजोर या झूठी चीजें बनाई जाएंगी। शैतान के नाम से कोई कौन फालनामा बनाएगा कि ये फालनामा शैतान ने बना के दिया, उसको कौन इस्तेमाल करेगा? पीतल की नकल नहीं होगी, सोने की नकल होगी। तो इमाम के नाम से ही जो चीजें होती वह उन्हीं में ये बहस है कौन सी सही है कौन सी गलत। तो ये फालनामे तो बहुत ही ज़ईफ़ रिवायत, यूं आप देख सकती हैं जस्ट फॉर इंजॉयमेंट या टाइम पास करने के लिए, लेकिन उसके ऊपर यकीन करके अगला कदम नहीं उठा सकते। क्योंकि उमूमन लोग फालनामे देखते हैं, जी हमारी अंगूठी चोरी हो गई किसने ली? जवाब आया तुम्हारी ससुराल में कोई तुम्हारा दुश्मन है। अब आपको पहले ही से लग रहा था कि सास जो है वो मेरी दुश्मन है, यकीन हो गया इसकी वजह से, ये गलत। वैसे ही खाली देखने के लिए, उसमें टाइम पास करने के लिए जहां पे उमर शरीफ के ड्रामे देखे जा सकते हैं और दूसरी फजूल चीजें, तो बहरहाल फालनामा तो एक हमारे यहाँ राइट चीज है, लेकिन उसमें यकीन नहीं कर सकते, उसमें भरोसा नहीं कर सकते, यानी भरोसा करके आगे उसके मदद से कोई काम नहीं कर सकते।